सावन का महीना शुरू होते ही कांवड़ यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई है। हरिद्वार में देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु गंगाजल भरने के लिए पहुंच रहे हैं। यहां दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से शिव भक्त गंगाजल लेने के लिए आते हैं और अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। शिव भक्त कांवड़िया सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर गंगाजल से भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं। हरिद्वार में माँ गंगा का विशेष महत्व है, इसलिए हर साल उत्तर भारत के लाखों शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। हर की पौड़ी पर सावन के पहले ही दिन श्रद्धालुओं ने गंगा जल भरा और अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। हरिद्वार से गंगा जल भरकर अधिकांश शिव भक्त 100 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करते हैं और भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं। हमने इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हरिद्वार गंगा जल भरने आए कुछ शिव भक्तों से बातचीत की। शिव भक्त कांवड़िया सुधीर ने बताया कि वह मुजफ्फरनगर से हरिद्वार हर की पौड़ी पर गंगा जल भरने आए हैं और यहां से करीब 120 किलोमीटर पैदल यात्रा करके भगवान शिव के मंदिर में जल अभिषेक करेंगे। उन्होंने बताया कि वह हर साल हरिद्वार गंगा जल लेने आते हैं। जिला मुजफ्फरनगर जी, कहाँ पर आए थे? हर की पौड़ी, हरिद्वार हर की पौड़ी पे आए हैं और जल भरना है, भगवान शिव के जल अभिषेक करना है जी। और आज पहला सोमवार है सावन का जी, भगवान बहुत प्रसन्न हो गया हमारे जल चढ़ाने से। अर्जुन कश्यप है जी। कहाँ जाए और कहाँ पर जाना है और क्या क्या पूछते हैं? हरिद्वार से आए जी, हर की पौड़ी से जल लेके और वरना घनश्यामपुरा जाना है खतौली के पास, वहाँ पे जल विसर्जन करेंगे। मनीष, कहाँ जाए? गाजबाद मोदी नगर। और कहाँ पर जाना है आपको? भोले मोदी नगर ही जाएंगे। धार्मिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार से गंगा जल भरकर हर साल लाखों शिव भक्त अपने अपने गंतव्य की ओर जाते हैं और भगवान शिव के देवालय में जाकर हरिद्वार हर की पौड़ी के गंगा जल से जल अभिषेक करते हैं। सावन के महीने में हरिद्वार हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर भगवान शिव का जल अभिषेक करना विशेष लाभकारी माना जाता है, जिससे शरीर के सभी रोग समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस अद्भुत कांवड़ यात्रा में भाग लेकर शिव भक्तों का आस्था और समर्पण देखने योग्य होता है। उनकी श्रद्धा और भक्ति से हरिद्वार के घाटों पर एक अलौकिक दृश्य उत्पन्न होता है। ये यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि भक्तों के लिए एक अद्वितीय अनुभव भी है, जो उन्हें आध्यात्मिक शांति और संतोष प्रदान करता है। लोकल 18 के लिए हरिद्वार से ओम प्रयास की रिपोर्ट।